अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त साथ हूँ हमारे सेक्रेटरी ओआईसी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई पाकिस्तान मिस्टर एजाज आसिफ साहब। एजाज साहब, कुछ जरा पीटीआई के तमाम ओवरसीज चैप्टर्स खासतौर पर हांगकांग के लिए कुछ फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यासिर, आपका शुक्रिया। इस वक्त हम दीवार चीन के एक मोन्यूमेंट के पीछे खड़े और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बाकायदा फॉर्मल विजिट हुआ है चेयरमैन इमरान खान के विजिट के बाद, जिसमें हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंगेज किया। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल चैप्टर्स का भी ये एक नया हमने बाब का आगाज़ किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारी बड़ी तफसीली मुफसल किस्म की गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह ये एक्सचेंज प्रोग्राम, उन्होंने जो कुछ सीखा है, चाइना जिस तरह दुनिया का एक सुपर पावर बन रहा है, अब हम उनसे सीखेंगे उन्होंने अपनी पार्टी को कैसे मुनज़्ज़म किया। और फिर चाइना जो इस वक्त चाइना की जो ग्रोथ है उसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत कलीदी किरदार है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे साथ हांगकांग के प्रेसिडेंट नवीद मेरे साथ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और प्रोग्राम्स में हमारे बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी इंशाल्लाह नुमाइंदगी होगी, ताकि आप लोग जो जितना कुछ सीखते हैं आप फिर वापस जाके अपने पीटीआई के कारकुनों के साथ शेयर कर सकें। नवीद हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू, इज विद मी। और इंशाल्लाह नवीद आपको हमारे जो पूरा ट्रिप है 6 दिन का उसके ऊपर अपडेट भी देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।